आखिर नेपाल ने अपने देश में अमेरिकी सैनिकों को आने से क्यों मना कर दिया? क्या यहाँ पर भारत का एंगल है या फिर चीन ने मार ली है एंट्री? भारत पर क्यों लग रहे हैं आरोप? क्या अमेरिका को भारत ने रोका? और अगर रोका है तो भारत ने क्यों रोका है? जानेंगे आखिर क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरब देशों में घुसेगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो बेहद खुश करने वाली खबर है। जानेंगे किस तरीके से पूरा का पूरा पासा पलट गया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो आइए जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका और नेपाल के बीच एक डील हुई और वो डील थी एमसीसी की, यानी कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, जिसके तहत अमेरिका नेपाल के अंदर कई तरह के प्रोजेक्ट बना सकता है और इसको लेकर काफी रुकावट पैदा की गई। रुकावट पैदा करने के लिए चीन ने हर ताकत लगा दी, लेकिन चीन पूरी तरीके से नेपाल के अंदर घुस चुका है और कई आंतरिक जगह पर पहुंच चुका है। इसके कई सबूत भी मिलने शुरू हो गए। अब एमसीसी को लेकर बहुत जगह विरोध हुआ, लेकिन इस विरोध के आगे देउबा सरकार नहीं झुकी। देउबा सरकार ने अमेरिका के साथ आखिरकार इस डील को साइन कर ही लिया और अमेरिका की एंट्री संभव हो सकी प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल में। अब नेपाल में कई सारे प्रोजेक्ट में ढेर सारे पैसे अमेरिका लगा रहा है। हालांकि ये काफी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, दुनिया को दिख रहा है, चीन की चाल की तरह नहीं है। चीनी प्रोपेगेंडा यहां पर फेल हो गया। लेकिन देउबा जाने वाले थे अमेरिका, और अमेरिका जाने से पहले देउबा और अमेरिका के बीच कुछ चीजें, कुछ डील फाइनल होने की आशा थी, और ये चीज मीडिया में लीक हो गई। मीडिया में लीक होने के बाद बवाल ज्यादा मच गया और नेपाल और अमेरिका के बीच जो साइन होने वाला था उसका नाम था स्टेट पार्टनर प्रोग्राम, यानी कि एसपीपी। अब एसपीपी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतनी बौखलाहट हो गई? तो दरअसल इस परियोजना में ये था कि नेपाल की आर्मी और अमेरिका की आर्मी के बीच एक संगठन बनेगा। इस संगठन के बल पर अमेरिका के अंदर नेपाल की आर्मी जा सकेगी। अब दोस्तों, जैसा कि ये खबर निकल कर आ रही है, ये बात भी सामने आई कि आखिर ये आर्मी करेगी क्या? ये संगठन जो बन रहा है अमेरिका और नेपाल के बीच, ये करेंगे क्या? तो दोस्तों, इनके करने के लिए बाढ़ वगैरह जो मानवीय सहायता होती है उसी का नाम लिया गया, और यही कहा गया था कि ये जो कमेटी होगी, ये कमेटी यही सब काम करेगी कि ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करेगी, जिसमें यहाँ नेपाल आर्मी होगी तो वहीं अमेरिका के नेशनल गार्ड भी शामिल होंगे। ये दोनों मिलकर इस तरीके का संगठन बनाएंगे। बस यहाँ पर समस्या ये हो गई कि ये बात जैसे ही निकल कर आई, अब अलग अलग मायने लगाए जाने लगे। ये मायने लगाए जाने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिकन सेना घुस रही है नेपाल के अंदर। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकन सेना ने इस तरह का काम 2015 में, 2017 में, 2019 में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया था, लेकिन नेपाल के साथ पार्टनरशिप नहीं हुई थी। नेपाल में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन ये हालात नहीं बने थे कि पार्टनरशिप हो, लेकिन पहली बार इस पार्टनरशिप की बात हो रही है। अब इसी को लेकर नेपाल में ये बात फैलने लगी कि क्या अमेरिकी सेना नेपाल के अंदर घुसेगी। अब यहां पर कई तरह के सवाल होने लगे कि ऐसा तो नहीं कि अमेरिका एक बेस बना रहा है नेपाल के अंदर, ये हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के खिलाफ है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल खुद भारत की तरह मानता है कि हम किसी के पक्ष में नहीं है। अब ये जब सवाल उठने लगे तो नेपाल ने कहा कि हम नहीं बुलाएंगे अमेरिकन आर्मी को और हम इस डील को नहीं करेंगे। अमेरिका ने भी कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं होने वाली, हम अभी बातचीत के स्टेज पर है, भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा। ये सब कुछ बवाल बढ़ने के बाद हुआ। लेकिन आखिर कौन है जो नेपाल को इस डील को करने से रोक रहा है? इसको लेकर कई तरह के सवाल आने लगे। अब कथित तौर पर चीन नहीं बल्कि भारत चाहता है कि ये डील ना हो। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अंदर खाने चीन भी नहीं चाहता था कि अमेरिकन फोर्स आकर नेपाल में रहे, लेकिन भारत के लिए भी ये सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर ये अमेरिका कल को पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाए, वैसे आपको बता दें कि अमेरिका का खुद का कोई ठिकाना नहीं, बरसों तक अमेरिका ने पाकिस्तान का ही साथ दिया, ऐसे में अमेरिका पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और जहां तक भारत की बात है, भारत और नेपाल के बीच सैन्य संबंध है, ऐसे में वहां पर टॉप क्लास का जनरल भारत का जनरल होता है, इस तरह की उपाधि दी जाती है और ये बकायदा आधिकारिक तौर पर उपाधि दी जाती है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने इस डील को तुड़वाया, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चीन के दबाव में ये डील टूटी। लेकिन अभी ये फैसला हो चुका है कि अमेरिकी सेना नेपाल में एंट्री नहीं करेगी, चाहे किसी बहाने से कर रही हो। खासतौर पर कहने का अर्थ ये है कि गठबंधन अब नहीं बनने वाला। खैर दोस्तों, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सबसे बड़ा बवाल काट दिया है, और ये बवाल इतिहास को बदलने वाला है।
भारत ने पहली बार कदम रखा ब्रह्मोस के साथ फिलीपींस में, और फिलीपींस में हालात ऐसे बना दिए जिस फिलीपींस को धमका रहा था चीन, उस फिलीपींस के साथ अब चीन दोस्ती करना चाहता है क्योंकि ब्रह्मोस की तैनाती हो गई है और ब्रह्मोस को लेकर जो ट्रेनिंग देने का सेशन है वो भी शुरू हो चुका है। फिलीपींस की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया कि ये तो महज शुरुआत है और अब तो हम और भी आगे जाएंगे, अभी और भी चीजें होने वाली है, यानी कि और भी समझौते फिलीपींस और भारत के बीच होंगे। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इसके बाद दूसरा झटका भारत ने दिया वियतनाम के साथ हुई डील को सामने रखकर कि दोनों देश सैन्य पैक पर साइन कर चुके हैं, एक दूसरे के नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और यह मदद तो बस नाम भर की बात है जब युद्ध के समय यही मदद बहुत कामगार साबित हो सकती है। और वियतनाम फिलीपींस के साथ जहां दक्षिण चीन सागर में भारत चीन को घेर रहा है, और आपको बता दें कि वियतनाम खासतौर पर रक्षा मंत्री भी गए थे, जाने का मकसद ब्रह्मोस और ब्रह्मोस के अलावा कई डील फाइनल करने का था। यानी कि दोस्तों अब भारत दूसरे सेक्टर में भी चीन को सबसे बड़ी मात दे रहा है। दरअसल दोस्तों मिडल ईस्ट के जो देश हैं, यहां पर चीन किसी भी हाल में नहीं चाहता कि भारत की एंट्री हो। लेकिन भारत की एंट्री सिर्फ नहीं हो रही है, बल्कि भारत एक बहुत बड़े प्रस्ताव को लेकर पहुंचा है सऊदी अरब। दरअसल दोस्तों सऊदी अरब ने भारत को बुलाया था डिफेंस डील को आगे बढ़ाने के लिए, रक्षा के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। सऊदी अरब चाहता है कि डिफेंस डील भारत के साथ और आगे बढ़े और नए नए आयाम छुए। अब ऐसे में आपने देखा होगा हाल फिलहाल में सऊदी अरब के जनरल और भारतीय जनरल आपस में मिले थे, मुकुंद नरवणे से मुलाकात भी हुई थी, और इसी मुलाकात के दौरान अब ब्रह्मोस को लेकर बात आगे बढ़ रही है। दरअसल यूएई और सऊदी अरब अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित करना चाहते हैं। जहां इजराइल से वो आयरन बीम खरीद रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के ब्रह्मोस पर भी उनकी नजर है, और भारत भी ब्रह्मोस बेचने को तैयार है। और दोस्तों बहुत ही जल्द आपको एक डील यूएई के साथ या सऊदी अरब के साथ ब्रह्मोस की देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों नेपाल में अमेरिकन आर्मी आती तो क्या सही होता या गलत? क्या भारत ने इस आर्मी को आने पर बैन लगाया या फिर चीन ने? दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।